दीपक नगर परिसरात रस्त्यावरील गड्ड्यांमुळे नागरिकांना ये जा करण्यात त्रास सहन करावा लागतोय. गड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचते, ज्यामुळे गाड्या चालवणे कठीण होते व तसेच पायी चालणाऱ्याच्या अंगावर घाणेरडे पाणी उडते. या परिसरात गुरुद्वारा आहे, ज्यामुळे दर्शनासाठी अनेक नागरिक या रस्त्याने ये जा करतात. परंतु लोकांना रस्ते खराब असल्यामुळे गुरुद्वारा देखील जाता येत नाही. तसेच साप्ताहिक बाजार लागतो तेव्हाही लोकांना अनेक त्रास सहन करावे लागतात. नागरिकांनी रस्त्यांची सुधारणा लवकरात लवकर करावी अशी मागणी केली आहे. यहाँ रोड इतने गड्ढे गड्ढे पड़े हैं, यहाँ पे आदमी को थोड़ा सा चलने से ऐसा लगता है कि आदमी गिर जाए. तो ये सरकार ने करना चाहिए कम से कम रोड तो अच्छे से बना रहे हैं. इतना बड़ा गुरुद्वारा है, यहाँ हर समस्या को हर त्यौहार में भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं. इतना बड़ा बाजार लगता है, हर हफ्ते बाजार लगता है दो दो हफ्ते, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं. पूरे गड्ढे भरे पड़े हैं इस रोड पे. कहने ऐसा ये समझो कि यहाँ से थोड़ा सा जाए आदमी गिरने की संभावना ज़्यादा रहती, बचने की कम रहे. कितना बच बच गया वो कामदार नगर चौक से तो पीछे नाले का बाबा बालकनाथ मंदिर तक पूरा ही रोड खराब है. हर जगह गड्ढे गड्ढे, इसकी पूरे गड्ढों की फोटो में ले आके तो बिल्कुल ये दिखाना चाहिए कि कैसा शहर है ये. बहुत अच्छा शहर बोलते हैं, दिखाना. हम लोग गुरुद्वारे में आते हैं तो रोड खराब रहते हैं, आने में दिक्कत रहती है, कीचड़ भरी रहती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती, गाड़ी नहीं बराबर चलती है. और हम लोग सुशीला लेआउट में रहते हैं, वहाँ के भी रोड ऐसे ही हैं, पूरे ख़राब हैं. वहाँ भी एक गुरुद्वारा है, हम लोग गुरुद्वारा आना जाना करते हैं पर बहुत कम करते हैं क्योंकि रोड ख़राब है वहाँ के भी. नहीं हमने नहीं, क्योंकि हम लोग अभी अभी वहाँ शिफ्ट हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हमको. परेशानी हमारी बहुत बड़ी है, हमारे लिए बहुत बड़ी है, प्रशासन के लिए कुछ भी नहीं है. यहाँ डेढ़ डेढ़ फीट के गड्ढे खुदे हुए हैं रोड के ऊपर में, आप देख सकते हैं. और यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है. हमने सबको लेटर दिया हुआ है, न्यूज़ में भी पहले दिया, पेपर में भी दिया हुआ है, मगर कोई सुनवाई नहीं है. मस्से वाला गुरुद्वारा हमारा नागपुर शहर में दीपक नगर में बहुत फेमस गुरुद्वारा है. यहाँ महिलाएं भी आती हैं और बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी आती है, मगर गाड़ियाँ सबकी फिसल फिसल के गिरती हैं. गाड़ियाँ एक्टिवा पे आते हैं, फिसल जाते हैं. तो इसलिए प्रशासन से हमारी विनती है हाथ जोड़ के कि इस रोड के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दिया. हम नहीं बोलते कि सीमेंट का रोड होना, हमारे को ये रोड अगर डामर का भी बना दिए. कोई नगर सेवा बोलते हमारे हाथ में नहीं है, नगर सेवा में सीधा हाथ खड़े किए बोले आमदार खासदार के हाथ में है. तो इसलिए हमारी विनती है गडकरी साहब से कि भाई इस रोड के तरफ में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए. और बाकी कोई नगर सेवक तो सिर्फ नगर सेवक का काम है सिर्फ परसेंट लेना, और नगर सेवक का कोई काम नहीं. यहाँ पर मिट्टी डाल के जाएंगे और क्या बोलते डामर के रोड की मेजरमेंट ले लेते हैं लोग, और कोई काम करते नहीं. इसलिए हमारी विनती है. और नितिन राउत जी भी थे, नितिन राउत जी ने सीधा साफ बोले कि हमारे को इधर से वोट नहीं मिलते, इसलिए हम इधर में क्या बोलते हैं रोड का काम करते नहीं. अब इस बार वोट देने के लिए जब आएंगे, मांगने के लिए आएंगे, उस समय बताया जाएगा कि हम आपको वोट नहीं देते तो भी रोड क्यों बनाओ. इसलिए हमारी गडकरी साहब से विनती हाथ जोड़ के कि इस रोड पे ध्यान दें. और हमारा गुरुद्वारा मस्से वाला बहुत फेमस है, संगत आने को भी डरती है, बोले उधर आओ तो कपड़े खराब होते हैं और गाड़ी फिसल के गिरते हैं. धन्यवाद. हाँ, मेरा नाम अमृत आहूजा है. हम लोग यहाँ गुरुद्वारे में आते हैं हर महीने मस्या में, तो यहाँ पे रोड बराबर नहीं है, कुछ नहीं है. और जब हम गाड़ी लेके यहाँ से जाए, बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग भी आते हैं, अगर हमारी गाड़ी स्लिप हो जाए, हम लोग गिर जाए कीचड़ में, हमको मार लग जाए, तो ये रोड बनाने की कुछ सुविधा होनी चाहिए. नगर सेवक के पास हाँ जी गई थी मैं कंप्लेंट देने, पर यहाँ के नगर सेवक कुछ कर नहीं रहे हैं और पूरा रोड पूरा गंदा होकर अगर यहाँ से ऑटो से भी जाएंगे तो ऑटो पलटने के चांसेस है. तो प्लीज़ ये रोड बनाइए और हमारे लिए सुविधा कीजिए, क्योंकि हमको हर बार यहाँ आना रोड बनने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जब रोड बनाने की बारी आती है तब पीछे हट जाते. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर.